students, to everyone, those who are giving this exam, and you have strategy something called this. मैं basically जिस topic पे बात करने वाला हूँ ये art के बारे में है. जिस section पे आप JEE mains paper 2 के exam देने वाले हैं, so ये इस category में लगभग तीन sections आते हैं, यानी एप्टीट्यूड, मैथ्स एंड ऑफ ड्राइंग. सो एप्टीट्यूड की जितने भी क्वेश्चंस है, लाइक इट इज़ ऑफ 50 क्वेश्चंस एंड विच इज़ ऑफ 4 मार्क्स एंड 25 क्वेश्चंस विच इज़ ऑफ मैथ्स, राइट, दैट इज़ टोटल ऑफ 75 क्वेश्चंस. और जितने भी सेक्शन सी हैं, दैट इज़ ऑफ ड्राइंग. सो इट इज़ ऑफ 50 मार्क्स एंड क्वेश्चंस विच आर कमिंग, that is in part 1, 2 or 3 questions can be there, and which is of sketching and sees how your proportions are, and part 2 is of coloring or some it can be also given to check. You can draw figure proportions or how presentation you can do of, and how you can represent something to viewers, right. तो स्केचिंग में बेसिकली बात क्या होने वाली है कि मैं आप लोग स्केचिंग के लिए ये पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, राइट. अगर आपके पास ये बेंडिंग स्टम्प्स है तो देन वेल एंड गुड, ये नहीं है तो इट्स ओके. एंड बेसिकली इरेजर एंड कॉटन, राइट. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने हैंड के टेक्निक को बढ़ाएं और कैसे हमारी स्केचिंग जो है वो बढ़िया हो, राइट. सो जितने भी पहले तो मैं कुछ फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें मैं बस फ्री हैंड स्केचिंग करने के लिए सिखाऊंगा, राइट. सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बनाने के लिए बता रहा हूँ. लाइक आप अगर इस तरह की शेप्स बनाते हैं, प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ शेप्स, पैरेलल लाइंस, राइट, इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट डायरेक्शंस. लाइक अब अगर कभी इधर आप इधर साइड बना रहे हैं तो कभी ऐसे आप सीधे बनाएं, एंड देन कभी आप इस तरह से बनाएं, कभी हॉरिजॉन्टली बनाएं, राइट. आप कभी एक सर्कल ले लें, उसको बनाएं, आप उसके अंदर बनाएं, फिर एक सर्कल बनाएं, फिर एक और सर्कल आउटसाइड बनाएं. इस तरह से आप स्पायरल की प्रैक्टिस करें, एंड आप एक क्यूब बना सकते हैं, आप क्यूब के इनसाइड में क्यूब. इससे एक वार्म अप होती है, और जितने भी आर्टिस्ट आप देखेंगे वो जब भी प्रैक्टिस करते हैं, स्केचिंग करते हैं, तो इस तरह की वो हैंड प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं पहले, जब भी कोई स्केचिंग करनी हो या फिर जो भी. तो उसी बना के लिए इस तरह के जितने भी शेप्स हैं, आप एक रफ कॉपी ले सकते हैं, उसमें आप प्रैक्टिस करें, राइट. आप या तो क्यूबॉइड बना सकते हैं, 3D फिगर्स की जितने भी प्रैक्टिस करने आप कर सकते हैं उसको करें आप, ठीक है. क्यूब को इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. हेक्साडेसिमल शेप्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन शेप्स, राइट. एंड इस तरह की जितनी शेप्स हो गई, राइट, आप कर्व टाइप्स की लाइन को थोड़ा प्रैक्टिस करें, ग्राफ बनाएं, इस तरह से ज़िगज़ैग लाइन आप बनाएं, इस तरह से. तो ये आपको पैटर्न बनाने के कई तरीके जो है वो आप सीखेंगे इससे, ठीक है. तो मेन मैं पर्टिकुलरली वीडियोस स्ट्रेटजी पर भी बनाऊंगा कि जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी रहती है, और क्या आपको स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, पहले किस सेक्शन में क्वेश्चंस करने चाहिए, एंड जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो डे टू डे जितने भी मेन जीके की जितने क्वेश्चंस रहती हैं, जनरल नॉलेज एंड ऑल, जो कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, उसमें 50 क्वेश्चंस में से
like 35 or 30 questions are of that type which are of mental ability, right? एंड जितने भी मान लीजिए कि 20 क्वेश्चंस हो गए या फिर 15 क्वेश्चंस हो गए, वो जनरल नॉलेज में ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं जो कि आप हरिहंत के बुक देख लें या फिर जितने भी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग से रिलेटेड आप क्वेश्चन देखें, वो कुछ ही आती है, राइट? और वो जो है आप डेली जितने भी न्यूज़ हो रही हैं, करंट अफेयर्स चल रही हैं, उससे आप ज़रूर देखेंगे कि कुछ ना कुछ एक 5-6 लॉजिकल क्वेश्चंस वैसे ज़रूर आएंगे। सो आप डेली के न्यूज़ और ये सब पर भी बहुत ध्यान दें।